प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए हैं, माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स आया, आके कहने लगा, या मोहम्मद एअदिल। कहने लगा, मोहम्मद इंसाफ करो, इंसाफ करो। यानी दूसरे अल्फाज में कहना चाह रहा था, जानिबदारी कर रहे हो तुम, नाइंसाफी कर रहे हो तुम। नौज़ुबिल्लाह, चेहरे मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगे, लोगों, अगर दुनिया में मेरे पास इंसाफ ना मिले तुम्हें, तो फिर दुनिया में किसके पास और कहाँ इंसाफ मिल सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंची, दिल को तकलीफ पहुंची, तो आपने अपने भाई मूसा को याद कर लिया, जिन्हें कौम बनू इसराइल ने इसी तरह सताया था। आपने कहा, रहिमल्लाहु मूसा, कहा कि अल्लाह रहम करे मेरे भाई मूसा पर, कि उन्हें भी उनकी कौम बनू इसराइल ने ऐसे ही सताया था, ऐसी ही गुस्ताखियां की थी, पर उन्होंने सब्र किया। फिर वो शख्स जिसका नाम था जुल्फ वैसा, जिसने कहा था एअदिल, इंसाफ करो, इंसाफ करो, पीठ फेर के जाने लगा, तो प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, यख़रुजु मिन ज़िहादर रजुल क़ौमुन यमरुकूना मिन अद-दीन कमा यमरुकु सहमु मिन अर-रमिया। कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये बात याद रखना, ये शख्स जो जा रहा है, जिसने मुझे नाइंसाफी का इल्ज़ाम दिया, जिसने मुझे जानिबदारी का इल्ज़ाम दिया, याद रखना, इस शख्स की ज़ुर्रियत में और इस शख्स की नस्ल में वो लोग पैदा होने वाले हैं जो दीन से उसी तरह जुदा हो जाएंगे जिस तरह तीर कमान से जुदा होता है, जो दीन से इसी तरह जुदा हो जाएंगे जिस तरह तीर कमान से जुदा होता है। यानी कौन? खवारिज। खवारिज जो बिदती फ़िरका, आगे चल के हज़रत उस्मान, हज़रत अली के ज़माने में ये फ़िरका पैदा हुआ, वो इसी की नस्ल से थे, इसी की ज़ुर्रियत से थे, और जिनके बारे में आपने खिलाबुन नार कहा, खवारिज जहन्नमी कुत्ते हैं, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कहा, इस शख्स की ज़ुर्रियत से वो लोग पैदा होने वाले हैं जो दीन से उसी तरह जुदा हो जाएंगे जिस तरह तीर कमान से जुदा होते। मैं आपसे पूछता हूँ, इस पेशिन गोई को, ये पेशिन गोई इसी वक्त क्यों इरशाद हुई? समझ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पेशिन गोई किसी और वक्त भी तो कर सकते थे, पर आपने ये पेशिन गोई उस वक्त की जब उसने शान रिसालत में गुस्ताखी की, आपकी शान में गुस्ताखी की, आपके फैसले पर एतराज़ किया, आपकी सुन्नत और आपके हदीस, आपके रवी और आपके तर्ज पर उसने तनकीद की, तो आपने कहा, इस शख्स की ज़ुर्रियत से ऐसे लोग पैदा होने वाले हैं जो इस बात की दलील है कि जो शान रिसालत में गुस्ताखी करता है, सुन्नत रसूल के साथ गुस्ताखी करता है, हदीस रसूल के साथ गुस्ताखी करता है, कानून रसूल के साथ गुस्ताखी करता है, शरीयत मोहम्मदी के साथ गुस्ताखी करता है, उस गुस्ताखी का अंजाम सिर्फ उसी को नहीं, उसकी आने वाली नस्लों को भी देखना पड़ेगा। कजरो बाप की औलाद कजरो होगी, जिस तरह यह बिगड़ा हुआ था उसकी नस्ल भी कजरो, कज फहम नस्ल और कज फहम औलाद उसकी जुर्रियत से पैदा हुई।